हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं जिनका आईसर मोहाली में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, प्राण आदित्य एंड रोहित। ये दोनों ही हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं और इन दोनों का इस बार आईसर मोहाली में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। अभी तक इन दोनों का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। और इसमें से भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जो रोहित है वो उसी एरिया से आते हैं और इनके कुछ फैमिली हैं, टर्म कंडीशंस हैं कि नहीं सर, मैं इस एरिया को छोड़ के नहीं जा सकता। इस वजह से इन्होंने कहीं एग्जाम ही नहीं दिया। ये इनका शायद पहला इंटरव्यू था जो इन्होंने क्रैक करा है और अच्छी जगह हुआ है। प्राण बहुत मेहनत किया है इन्होंने और बहुत जगह इंटरव्यू दिया, बहुत जगह इनका रिजेक्शन हुआ और फाइनली इनका ये सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो में शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा जो बहुत बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, बहुत सारे आईआईटीज में, आईसर्स में, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि वो जहाँ हैं कुछ फैमिली कंडीशन ऐसा है कि वो जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते और वहीं पे रह के वहीं के आसपास रिसर्च इंस्टीट्यूट का अपना पीएचडी करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो शायद उस सेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित एंड प्राण आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है रोहित? थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण कैसा लग रहा है आपको? मेरा हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड गुड। हाँ रोहित, आप बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। सर मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ और मैंने अपनी एमएससी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। तो मैं उसके बाद मैंने अपना आपका बैच ज्वाइन किया था जुलाई 2023 में। तो रेगुलर बैच? उसके बाद सर मैंने अपना नेट रेगुलर बैच ज्वाइन किया था सर। और उसके बाद मेरा दिसंबर 2023 वाला नेट क्लियर हुआ, उसमें मेरा रैंक 47 था। उसके बाद मैंने गेट क्रैक किया, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 81 था। और उसके बाद सर आपका इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर लिया और इंटरव्यू बैच में आपसे बहुत हेल्प मिली सर। और फिर मैंने कुछ इंस्टीट्यूट के रिसर्च फॉर्म पीएचडी के फिल किए थे। तो यहाँ मैंने दो इंटरव्यूज दिए, एक आईआईटी रोपड़ में और एक यहाँ आईसर मोहाली में। और आईआईटी रोपड़ का भी रिजल्ट आना बाकी है, आईसर मोहाली का आ चुका है। तो पहला इंटरव्यू आपका कहाँ था, रोपड़ था कि मोहाली था? कहाँ आपका इंटरव्यू था पहला? रोपड़ था सर, पहला रोपड़ था सर, अच्छा, अभी तक ये उसका रिजल्ट दूसरा नहीं था आया सर। है, ये दूसरा था लेकिन दूसरे में हो गया। तो नहीं क्यों, मतलब क्या ऐसा रीजन है कि आप छोड़ के नहीं जाना चाहते जो भी आपका होम टाउन है या उसके आसपास, क्या इसका वजह है? वैसे घर वाले भी एग्री नहीं कर रहे थे इतना दूर जाने के लिए। और अगर मैं कह भी रहा था कि मैं इंटरव्यू के लिए चला जाऊं तो उनका था कि अगर बाद में सिलेक्शन हो जाता है तो है ना, हम तो भेजेंगे नहीं, तो तेरा तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो उनका कुछ ऐसा ही कंसर्न था मेरे लिए, तो मुझे भी लगा कि नहीं। मतलब वो लोग बहुत श्योर थे कि आप कहीं इंटरव्यू देने जाते तब का हो जाता सिलेक्शन। मुझे भी, मेरा भी ऐसा था कि कहीं हो ही जाता आप जाते तो। कहाँ कहाँ अप्लाई करके आप नहीं गए इंटरव्यू देने, कौन कौन जगह था? आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, यहाँ मैं और नहीं गया सब देने। जहां जहां आप नहीं गए वहां आपके स्टूडेंट सब सब यहाँ के दोस्त लोगों का हुआ वहां सिलेक्शन, राइट? है ना? बट जी जी एनीवे सर। एनीवे एनीवे, अब आपके पेरेंट्स खुश हैं? अब तो मोहाली आपके आसपास कितना दूर है आपके घर से मोहाली? 3 घंटे का रास्ता है मतलब। मुझे लगा अगर आपको मौका मिले तब अप डाउन कर लोगे, सुबह निकलोगे शाम तक आ जाओगे मोहाली पे। बट वैसा मत करना, वहाँ के हॉस्टल में रहना, थोड़ा मम्मी पापा नहीं को नहीं बोलना ठीक है वो लोग कंसर्न है। कुछ फैमिली इश्यूज है या आप सिंगल बेटे हो, मतलब आप ही को सब कुछ माता पिताजी या फैमिली को देखना है, क्या सीन है? जी सर, ऐसा ही है। मेरे एक बड़े सिस्टर हैं और मैं हूँ, तो फिर घर सारी वालों को थोड़ा कंसर्न था कि हम इतनी दूर। जी सारी सर, तो इतनी दूर जिम्मेदारी नहीं लगभग भेजना। जिम्मेदारियों का कहीं ना कहीं आपको जी लगता है सर, कि हो। प्राण पे आते हैं आपसे रोहित बात करेंगे और भी मैथमेटिकल एक्सपर्ट है, थोड़ा सा प्राण से बात कर लेते हैं। हाँ प्राण, कैसा रहा ये जर्नी और कैसा रहा सक्सेस, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्राण। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने अपनी बीएससी की है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और मैंने अपनी एमएससी भी की है डिपार्टमेंट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से।
और मैं आपके यहाँ नोबेल फोरम में ज्वाइन किया था जुलाई 2023 को, और वहाँ से मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब क्या बोलिए, आपकी अच्छा वजह से चलो, ही ये सिलेक्शन हो पाया है। थैंक यू थैंक यू। और कैसा रहा अभी प्राण? बहुत जगह रिजेक्शन आपको मिला, आपके बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ जहां जहां आप इंटरव्यू देने गए, उसमें से आपके दोस्त एक अडनू है जिन्होंने हर जगह झंडा गाड़ा। कैसा अडनू का सक्सेस देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो मेरे ही बैच से है, सेम यूनिवर्सिटी है, सेम बैच है, तो उसको उससे मैं बहुत एडवाइस भी देता हूँ, प्रॉब्लम अटकता है तो उससे सॉल्यूशन मांगता हूँ, वो बोल भी देता है, बहुत अच्छा लगता है। गुड। तो जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था अपन, तो क्या दिमाग में चल रहा था? क्योंकि कहीं कहीं जाओ कि आप थोड़े थोड़े जगहों से अटके हैं, चाहे कानपुर हो, राइट? कहाँ का इंटरव्यू दिया जहाँ आपको लगा कि मेरा इंटरव्यू ठीक गया बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? कहाँ कहाँ था ऐसा जगह? सर आइजर भोपाल एक था, वहाँ पे इंटरव्यू मतलब अच्छा हुआ था लेकिन नहीं हुआ। और कानपुर में सर मतलब वो लोग टॉप में, मैंने जो टॉपिक किया था वो दूसरे टॉपिक से पूछने लगे, मैंने कुछ आंसर दिया था कुछ नहीं दे पाया, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर बॉम्बे गया था, IIC बेंगलुरु भी गया था, नहीं हुआ। मतलब हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था, चार पांच जगह जहां भी आपने इंटरव्यू दिया आपको रिजेक्शन मिल रहा था। तो क्या लग रहा था कि अब मतलब नहीं होगा, या क्या दिमाग में क्या चल रहा था? हम तो थे ही आपके पीछे, बट क्या बैक ऑफ द माइंड उसको चलता होगा दिमाग में एज ए स्टूडेंट, सर क्या थॉट प्रोसेस था? मुझे लगा था सर इस सेशन में कहीं नहीं होगा, फिर दूसरे सेशन में अप्लाई करना पड़ेगा। क्या बात है, छोड़ते नहीं ना मैथमेटिक्स, नहीं होता तो नहीं गुड। सर, ये हुआ बात, यही तो स्पीड सुनना था, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं, करेक्ट। और देखिए हो गया आपका मेहनत। आयसर मोहाली का कैसा रहा था इंटरव्यू, ये बताओ। सर आइजर मोहाली में पहले तो मैं गया उस में, मेरे BSc MSc कहाँ से किया वो पूछा, फिर कितना CGPA था दोनों में वो पूछा, फिर प्रॉब्लम्स पे आए, पहले कॉम्पैक्टनेस का डेफिनेशन, फिर कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड एक थ्योरम का कुछ पूछा, मेरा फेवरेट थ्योरम कौन सा है ये पूछा, फिर टोपोलॉजी में गया, टोपोलॉजी में वो एक क्लोज्ड मैप का थ्योरम था वो मैंने प्रूफ करने को बोला लाइव, तो मैंने वो प्रूफ कर दिया, फिर एक फंक्शन दिया उसका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, मैंने वो भी किया, ग्रुप से दो क्वेश्चन पूछा तो वो भी किया, ऐसा हुआ। गुड। और मर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी था, उससे भी क्वेश्चन पूछा था, इनवर्स फंक्शन थ्योरम स्टेटमेंट पूछा था, तो उसमें हर एक नोटेशंस जो है उसका एक्सप्लेनेशन पूछा था, ये क्या है ये कैसे होता है, तो बोला था। सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम जो चाहिए था वो दिया, वो संतुष्ट थे? मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज देख के आपको क्या लग रहा था? दे वर हाँ हैप्पी सर विथ वो, योर आंसर? हाँ सर ये वो है। सर गुड, बहुत बढ़िया। उस समय लगा कि आपने यहाँ अपना बेस्ट दिया है, अपना ये आईटी, ये आईसर मोहाली में? हाँ सर, मतलब इससे ज्यादा एक था कि वो लोग मेरे स्पेशल पेपर जो था MSc में हार्मोनिक एनालिसिस, उससे भी वो लोग पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने बोला मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उन लोगों ने बोला ठीक है। हारमोनिक एनालिसिस के वहां दो तीन लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इसीलिए शायद उनको इंटरेस्ट आया होगा कि मैं आपसे कुछ पूछूं, तो इसलिए शायद वो हाँ सर पूछ रहे होंगे। बट ठीक किया, बहुत बढ़िया किया। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे आईसर मोहाली का, जब इंटरव्यू दे रहे थे उस दौरान जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उस क्वेश्चन का आंसर देते समय यहाँ का जो पिछला अभी एक साल तक का जो मेहनत रहा, यहाँ जो आप पढ़े, हम लोग सीखे और आप मिलके, वो कितना यूजफुल रहा आपका? मतलब सर, एक प्रॉब्लम को आप जैसे अप्रोच कराते थे क्लास में, वो अप्रोच यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में मुझे याद आता था कि सर ऐसे करते थे तो ऐसे ट्राई करो, तो होगा होगा, नहीं तो और एक अप्रोच से ट्राई करूंगा, लेकिन बहुत हेल्प किया वो अप्रोच, मतलब आपके क्लास में जो जो प्रॉब्लम्स का अप्रोच था बहुत हेल्प किया। तो वो वहां पर हेल्प किया एट द एंड, कुछ जब अननोन प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे थे जो आपने पहले नहीं देखा होगा, हाँ सर, वहां कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स आपको हेल्प मिला, उस टाइप से सोचने में सहूलियत हुई, हाँ सर हेल्प हुआ। बहुत हेल्प किया। आते हैं प्राण, आप पे आते हैं, रोहित से बात कर लेते हैं। हाँ रोहित, आपका कैसा रहा था रोहित आईसर मोहाली का इंटरव्यू? सर अच्छा रहा था। उन्होंने मेरे से पहले जब मैं इंटरव्यू देने गया तो पहले उन्होंने मेरे से यही पूछा कि आपने MSc कहाँ से किया है, और फिर उन्होंने मेरे सब्जेक्ट की चॉइस पूछी कि आप किस में कंफर्टेबल हो, किस में देना चाहते हो इंटरव्यू, तो
तो मैंने एनालिसिस बोला तो उन्होंने उसमें फंक्शनल मेजर बोल दिया कि आप इसमें भी दे सकते हो। मैंने कहा हाँ जी दे सकता हूँ। तो फिर उन्होंने शुरू वहीं से किया C01 से के कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 01, और फिर सारा इंटरव्यू उसी के अराउंड घुमाया। और फिर उसमें फंक्शनल के क्वेश्चन ऐड कर दिए, लास्ट में कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा। तो जो सर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे जब उनका खत्म हो गया तो फिर उन्होंने दूसरे सर पे शिफ्ट कर दिया कि आप अब पूछ लो। तो उन्होंने टोपोलॉजी के दो क्वेश्चन पूछा और फिर कह दिया कि अब आप जा सकते हो, हमने आपको इनफ टाइम तो दे दिया। इंटरव्यू के बाद कैसा लगा? मतलब आप अपने आपने अपना बेस्ट दिया, जो आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ऐसा इंटरव्यू देना चाहिए वैसा आपने दिया, या कुछ मलाल था कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाए या और अच्छा कर सकते थे, ऐसा था? नहीं सर, वैसे मुझे लगता था कि मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे गुड उनके, बट गुड मुझे लग रहा था कि अभी और अच्छा हो सकता, गुड गुड। तो वो जो और भी इंटरव्यू दे जब सकता। गुड वो जब इंटरव्यू आपका चल रहा था, तो पिछला जो हम लोग 1 साल से जुड़े आपके साथ, आप यहाँ सीखे, हम लोग आपसे सीखे, वो किस टाइप से आपको हेल्प किया आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, उस एग्जाम में? जी सर, लगभग सभी वही हेल्प किया सर जो हमने पिछले 1 साल में किया है। उन्होंने जो प्रूफ भी पूछे या कहा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, तो लगभग वही वही सारा सारे अप्रोचेस मैंने वहां पे भी लगाए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया, और लगभग हो भी गए सर। तो अच्छा गुड लगा सर इंटरव्यू दे के बाद। गुड गुड। तो वहाँ का जो प्रोफेसर्स थे वो सपोर्टिव थे? कहीं मान लो आप अटकते हो गए तो कुछ हिंट वगैरह वो लोग देते थे, या आप ही को खुद सोचना था? नहीं, सर हिंट तो दे रहे थे वो, अगर कहीं अटकते थे तो हिंट देते थे, इन द सेंस कि वो कहते थे कि आप ऐसा सोच रहे हो तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये आपकी अप्रोच ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि हाँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो फिर एक बार सोच के वापस आंसर दे रहे। गुड गुड। तो एट द एंड उनके बॉडी लैंग्वेज से कैसा लगा? दे वर हैप्पी विथ योर इंटरव्यू या वैसे अनसेटिस्फाइड थे एकदम? नहीं, सर मुझे तो लगा कि ठीक हो गया इंटरव्यू, नहीं, अभी तो सिलेक्शन उनको हो देख गया के है, लग रहा था कि नहीं। अभी तो सिलेक्शन आप लोग का हो गया था, ऑफकोर्स अच्छा क्या होगा इंटरव्यू, बट मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि उस समय कैसा लगा। मतलब आप लोग डायलेमा में थे, प्लान कि डायलेमा में थे कि होगा या नहीं होगा, या रोहित कैसा क्या था उस समय? वो तो सर होता है कि क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू देने आए होते हैं, तो थोड़ा सा तो मुझे था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट अपनी तरफ से तो पूरा करके आए थे। बहुत बढ़िया। प्राण अभी नाइसर में है, कैसा रहा नाइसर का इंटरव्यू? प्राण ठीक ठाक रहा? सर नाइजर में सर वो लोग पहले तो फंक्शनल एनालिसिस से ही पूछने लगे। फंक्शनल एनालिसिस से मेरा फेवरेट थ्योरम कौन सा है, तो उसका एप्लीकेशन मतलब से। उस पे, चूंकि अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, हो गया इंटरव्यू या होने वाला है? सर कल था, कल हो गया। अच्छा ठीक ठीक उस पे हम लोग बाद में बातचीत कर लेंगे। एनीवे तो कैसा रहा रोहित यहाँ का जर्नी? सो इन दिस लास्ट आई थिंक 1 ईयर, हाउ वाज द जर्नी? डिड यू एंजॉय दिट? कैसा रहा? यस सर, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत इंजॉय किया। मैथमेटिक्स बहुत इंजॉय किया सर, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन ट्राई किए, जो जो बहुत सारे अप्रोचेस से ट्राई किया एक क्वेश्चन को, बहुत अच्छा लगा सर। तो यहाँ पे जो और भी आपके क्लासमेट जहाँ आप गए नहीं इंटरव्यू देने के लिए, बाकी आपके दोस्त लोग जिनका सिलेक्शन हो रहा था, क्या चल रहा था बैक ऑफ द माइंड कि कहीं होगा मेरा नहीं होगा, मेरे सारे क्लास फेलो का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्या चल रहा था अभी पिछले 2-3 महीने से? बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि मुझे तो था कि मैं ऐसे कोई इंटरव्यू भी नहीं दे रहा, कि मुझे तो ये था कि आप एक एक्सपीरियंस हो जाता है अगर अलग अलग जगह इंटरव्यू दो, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसा होगा। मुझे था कि मैं कहीं जा ही नहीं रहा इंटरव्यू देने, तो बहुत डर था सर मन के अंदर, बट हो गया। गुड गुड गुड। ठीक है प्राण, आपका कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस पिछला 1 साल का? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टडी हियर? जो सोच के आए थे वो आपको मिला यहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ, सब जो सीख रहा हूँ यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सीखा हूँ, और उसको इंटरव्यू और रिटेन में अप्लाई भी कर पाया हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सिखाया। थैंक यू थैंक यू। तो अप्राण, जो लोग
अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो सेम आपके सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एकदम सेम डिटो। बहुत जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हो रहा, एकदम हताश हो जाते हैं। चलो आप पॉजिटिव थे, आपका फैमिली बैकअप बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत सपोर्टिव है, आपके पेरेंट्स, हम लोग भी हैं, दोस्त भी है। बहुत लोगों की किस्मत ऐसी नहीं होती है ना, बहुत लोग ऐसा नहीं होता कि हाँ बहुत अच्छे दोस्त हो, या आइसोलेटेड रहते हैं बहुत लोग, नहीं हो पाता सिलेक्शन, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मतलब जो इंटरव्यू अच्छा नहीं हो रहा वो इंटरव्यू क्यों नहीं अच्छा हो रहा, उससे क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये पहले देखना चाहिए और नेक्स्ट जो इंटरव्यू है उस पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर वो भी ना हो तो हाल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि देना तो पड़ेगा ही। गुड गुड रोहित, तुम्हारा क्या मैसेज है उन लोग के लिए जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये आप ही की तरह है कि नहीं मुझे ये पार्टिकुलर स्टेट या ये पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के नहीं जाना, तो इसी के आसपास 200 या 100 किलोमीटर के रेडियस तक मुझे रहना, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जिस भी ड्रीम इंस्टीट्यूट के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, और हो जाता है सर फिर इंस्टीट्यूट में उसका सिलेक्शन। और जो रॉ बच्चे हैं अभी एकदम रॉ, जो एक जैसे आप लोग पिछले साल आए थे एकदम रॉ, एकदम बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, एकदम फ्रेश एमएससी अभी पास कर रहे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको गाइडेंस नहीं पता है कैसे क्या हो, उनके लिए क्या मैसेज है? या बीएससी में बच्चे होंगे अभी जैम का एग्जाम देंगे अगले साल या टीआरफआर का देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है रोहित? आप प्राण एक एक करके दोनों बताइएगा। हाँ रोहित आप अगर बताइए। सर अगर उनके पास सर प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको कोई मेंटोर डिसाइड कर लेना चाहिए जो उनको प्रॉपरली गाइड करे, और अपना जो भी बीएससी एमएससी का सिलेबस है उसी पे पर्टिकुलरली फोकस रहे, उसी के रिजल्ट्स और उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्राण, आप बताओ उनका क्या सजेशन है प्राण? हाँ सर, बीएससी एमएससी में जो पढ़ाया जाता है उसको मतलब हर एक स्टेप प्रॉपर प्रूफ का जस्टिफिकेशन कर करके अगर पढ़े तो अच्छा रहता है। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसका प्रिपरेशन सर टाइम से अगर स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा देर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई गाइडेंस की जरूरत है सर आप बताना चाहिए। अरे रे अरे चलो बस तुम लोग अच्छा करो, और रोहित तुम दोनों ही बहुत स्पेशल स्टूडेंट हो, तुम लोग का ये पहला सिलेक्शन है आई नो। पहले प्राण से पूछना मैं भूल गया, फैमिली का कैसा रिएक्शन है? प्राण पूरा फुल फैमिली के साथ विजिट करते हैं, कहीं भी जाते हैं, इनको अकेला लोग छोड़ते ही नहीं है, बहुत बदमाशी करते हैं, है ना प्राण? इसीलिए कैसा रहा माता पिताजी का हाँ रिएक्शन? हाँ सर, सब बहुत खुश है क्योंकि ये पहला सिलेक्शन है और पहले हो भी नहीं रहा था, बहुत खुश है सब। और अच्छे जगह हुआ है आईसर मोहाली, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, अच्छे जगह आप जा रहे हो, और जो आपका इंटरेस्ट है उसमें वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर काम करते हैं, तो बहुत अच्छे जगह आप जा रहे हो, बहुत अच्छे से काम करना। और हम लोग हैं रोहित का तो खैर मन चाह जगह मिल गया है, रोहित का ये डिमांड ही था कि सर मेरे को यहीं जाना है, शुरुआत से ही था कि सर मैं पूछता भी था भैया कहाँ जाओगे, मतलब क्या टारगेट है कुछ है? सर आईसर मोहाली अप्लाई कर दूंगा, घर के नजदीक है, रोपड़ कर दूंगा। मैं बोला यार दिल्ली है, बॉम्बे है, कानपुर है, सर नहीं मानेंगे घर वाले, और मेरे से झूठ बोलता था, हाँ सर मैंने टिकट बुक कर लिया, मैं कल निकल रहा हूँ, सोच रहा होगा सर डांटेंगे इसलिए, पूरा झूठ बोल रहा था ये लड़का, है ना रोहित? बट एट द एंड बट कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अब ठीक है सर, फैमिली में आपके दीदी माता पिता सब बढ़िया से खुश हैं कि जो आप चाह रहे थे सब मिल गया? जी सर सब खुश हैं सर। हमें बता दूं रोहित बहुत ही ऐसे स्थिति से पढ़ाई करी है जिसको मैं यहाँ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल झेला है फाइनेंशियली भी और अपने स्तर से भी, ये खुद एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां से पढ़ के ये पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे ये रिसर्चर बनेंगे और आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। प्राण का भी मैं एक चीज बताऊंगा कि इवन तो थोड़ा सा फैमिली उनके सपोर्टिव है इनको पढ़ाई के मामले में, बट इन्होंने भी बहुत झेला है, अच्छा रैंक, अच्छे मार्क्स बीएससी में एमएससी में आने के बावजूद बहुत एग्जाम इनसे नहीं हो पाया, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका गेट अच्छा रैंक से हुआ और आज पीएचडी में हो गया। तो जो बच्चों के बीएससी एमएससी में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं कोई एग्जाम उनसे नहीं निकल पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्राण उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक अच्छे रोल मॉडल है,
कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जब अच्छा नहीं होता है तब उसमें हम लोग को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, राइट प्राण? उसके बारे में कुछ बताओगे, क्या रहता है उस टाइप का साइकोलॉजी, जब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उसके बावजूद कुछ एग्जाम नहीं निकलता है तो कैसा रहता है उस समय? सर पहले तो बुरा लगा था, लेकिन मतलब बाद में जब मैंने वो नेट हो गया, TIFR हो गया, जब मैंने गलती देखा तो मुझे मतलब बहुत गुस्सा आया कि आसान आसान प्रॉब्लम को मैंने बहुत गलती कर एग्जैक्टली दिया, तो एग्जैक्टली उससे एग्जैक्टली। रेक्टिफाई किया हूँ। और गेट में देखिए आपने अच्छा किया, गेट में आपका अच्छा रैंक आया, वही वही आपने सुधार किया। ऐसे ही सुधार करते रहना है बेटा, आगे भी जब आगे बढ़ोगे ना ऐसे ही सुधार करते रहना है, ठीक है? ओके, देर हुआ, हाँ सर, ठीक है रोहित? और कोई जरूरत होगा हम लोग हैं, ठीक है? आप दोनों मिलकर वहाँ अच्छा काम करो, तो जी सर, मिलते हैं, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय। बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे आई होप आप लोग इनसे सीखे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए सब्जेक्ट के साथ। और कोई दिक्कत हो तो मैथ से रिलेटेड, कोई मेंटरशिप से रिलेटेड, आप मेल कर सकते हैं noblefourum05@gmail.com पे। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय।